रात के बज रहे हैं 10, दिन है 29 तारीख, 29 अप्रैल। हमारे घर में है सम्राट गर्ग। सो कल इनका मेरा तकिया मत देखिए, ये मेरे भाई ने सोफों के साथ बना के दिया था, जेके फर्नीचर। तो सम्राट की चल रही है लास्ट मील। लास्ट मील में क्या खा रहा है सम्राट? बर्गर, क्या वेज बात बर्गर, है, बर्गर, या वेज बर्गर। यस वेज बर्गर। चलो सो ये बच्चे देख रहे हैं, ये रहे आपके इंडियन रॉक। थोड़ी हालत ख़राब है इनकी, आजकल सीज़न चल रहा है और जैसे जैसे दिन पास आते हैं लो कार हाई कार में ऐसी तैसी हो जाती है। सो बर्गर क्यों खाया जाता है मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज़ हमें बॉडी ना इनकी ड्राई करनी है। अब बस पानी अभी एक एक सिप ही चलता रहेगा इनका। अंकित को दूसरे नंबर से कर लो और मैं अभी रात के प्रोटोकॉल्स दिखाऊंगी आपको। अभी मैं टैन भी होगा इनका, प्रो टैन एक कोट अभी हम रात को करेंगे। और बेसिकली क्या है ना, ज़्यादा हमने छेड़छाड़ करी नहीं है। रीज़न क्योंकि रीज़न क्या है दीपक बताओ, मुंह पे रीजन टूथपेस्ट लगा के? क्योंकि रीजन ये है कि इन्हें खेलना है शेरू, शेरू हाँ क्लासिक, तो ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कंडीशन एक बार ही आती है अच्छी, बार बार नहीं आती, तो इसलिए हमने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी। क्योंकि मैंने एनपीसी पे जो गोल्ड और ओवरऑल टाइटल मारते हुए भी हारते हुए देखे हैं कि कंडीशन जो होती है वो एक ही बार छेड़ेंगे, हम ज़्यादा छेड़ नहीं रहे, लेकिन इट्स कंपल्सरी और एनपीसी खेलना बहुत कंपल्सरी है। तो भाई अब खा भाई, अंकित को फ़ोन कर लो। हम ये लो जो कैंडी है ना। अच्छा मैं आपको बता दूं, सम्राट को बहुत डर लगता है कुत्तों से। कैंडी कैंडी हाथ मार के पटा। हमारे एक कोच है जिनका घर कुत्तों से गिरा रहता है, कह रहे पानी आ रहा है कहीं से, तो दीपक ने कहा पानी नहीं है, इन्होंने सुस्तू करा हुआ है। ये मेरी बेल्ट की आप हालत देख सकते हो। नहीं चलो अब नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे आपको। सम्राट थोड़ा हिचकिचा रहा है, खाने दो उसको आराम से, और पानी बस एक एक सिप। ला दो लाइट। अब रात के बज रहे हैं 11 और अब प्रोटीन होगा, ठीक है? आपने मुझे ड्री टाइम करते हुए देखा हमेशा, प्रोटीन करते आप प्रोटीन करते। ले पकड़ लें अंकिता, उतार कपड़े। मैं राजा बाबू बोल रहा हूँ, लोअर बैक से पैर मैं बताता जाऊँगा। छोड़ दो, अच्छा ये निकलता है फिर। देखिए प्रोटीन बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप अगर एक प्रो एथलीट बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज मैं आपको ये बता रही हूं, कि बाहर कभी भी बाहर के जो स्टेज होते हैं वहां पे यही यूज होता है। पानी गया पीछे कर ले पीछे से। ये शेड ना हल्का है, बहुत मजा नहीं आ रहा इसमें। अभी तो कोटिंग चढ़ेगी लोग में, ये भी आ रहा है। हाँ ये भी आ रहा, फिर आ गया रही है, वो ही करते जो ही पहले कर रहे थे। वेस कोट है ना, मजा नहीं आ रहा है सही से। ये इसमें निकल गया सारा, बॉडी में सोख लिया है। तुझे भी प्रोटीन कराना है क्या? खड़ा है ऐसे तो, जब ज्यादा बॉडी गोरी होती है ना तो उसमें कम। बहुत गोरा है, कुछ ज्यादा ही गोरा है गाइस, ये पता नहीं चल पा रहा मेरे को सही से।
कलर चढ़ानी भी है। हाँ? चढ़ानी है तो नहीं ये ना तेरा कलर। हाँ। ये नहीं चढ़ा जी भैया भी खड़े हो गए। मुकुल को वीडियो कॉल करो जल्दी से। नहीं वीडियो कॉल करो मुकुल को। मैं दिखाता हूँ कैसे चढ़ रहा है। घूम ऐसे ऐसे इधर रहो राइट और राइट राइट ऐसे घूम राइट ये। हाँ अब ये देखो तुम उसकी बैक का कलर देखना। ठीक है चलो मुकुल को फोन करो वीडियो कॉल अपने फोन। बहुत गोरा है इसको तीन कोट चढ़ेंगे गोरे। मुकुल कितना गोरा है तुम यार मैं चाटू मत। चाटने तो तू भीगे अभी तो चढ़ ही नहीं रहा। अरे गोरा है भाई वो चढ़ तो रहा है। देखा सीधा खड़ा थाई खींच की तरह। इसमें ब्यूटी प्लस तो नहीं फोन में। ब्यूटी प्लस ही है इसमें तो। यार ये तो आधी कटोरी खत्म हो गई मुकुल। तो कितना ज्यादा डाल दिया तूने बॉटल तूने डाल दी है। ऐसी करना है ना। हाँ तो ये चढ़ क्यों नहीं रहा ये कलर। नकली तो नहीं दे रही हो। बॉडी दिखाओ। सो मुकुल ने हमें सजेशन दिया है वाटर बोतल का। क्या करूँ पहले पीट करती हूँ। पहले पूरी बॉडी से कर दो फिर दोबारा मार देंगे। हाँ ठीक मारो बच्चे का जोड़ी तो गई। ये तो भाई साहब शटर से मॉडल बिल्डर लग रहे हैं जिनसे कॉल कर दी। ये मुकुल है। ये कौन है ये मुकुल। मुकुल पीठ का हो गया भाई। इसका कलर अलग है। बस ज्यादा हो गया। तू हटेगा पट्टू हट जाए यहां से। सो थोड़ा सा कलर का हमको लग रहा है कि ओरिजिनल्स सन टैन ब्राउन स्प्रे है क्योंकि इसमें भी कलर्स आते हैं मेरे ख्याल से। सम्राट कुछ ज्यादा ही गोरा है और हमेशा उसको ड्रीम टैन की आदत रही है। सबको ये लगता है जब ड्रीम टैन वाली। हाँ मुझे भी लग रहा था इस पर। आ रहा है जब भी तो आएगा पिकेट थोड़ी आ जाएगा। इधर करो इधर वहां मत थोड़ा इधर करो। हमारे पे क्या होती कैने होती है बड़ी बड़ी। हाँ मैंने देखी व्हाइट कलर की। ठीक है अब हमने कभी तो पैसे दिए आज तक। क्योंकि जो सोहेल हाँ जो सोहेल सब कुछ बोलते हैं भाई। सोहेल मुझे सिस्टर मानते हैं तो वो हमेशा मैं तो चुप ही ब्लॉग बन रहा है इसको जिसमें कुछ नहीं। अब कल भी अगर वो हुआ तो हाथ लगा देगा तेरे को ऐसे। चलो हम पूरा करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
ये देख ड्राई कितनी हो रही है, थाई देख आगे से हो रही है ना। स्प्रे मारता रहना तू अंकित, ठीक है। जब तो नहीं निकली थी बर्गर का कमाल है ये, अभी रात को जब ब्लैक कॉफी और एक जड़ी बूटी कोट लग गया है, कोट बहुत लाइट है। अब तू जैसे मारता उसमें ऐप दिख रहे थे, इसमें दिख रहे हैं अब ऐप नंबर था हमारे ऐप दिख रहा है। सेकेंड कोड लग रहा है रात के बज रहे हैं 11:30। तो भाई कोट हो गया है, बॉडी बहुत अच्छी लग रही है। ठंडी युग होता है भाई सारे, क्यों घुमाते रहिए बाहर का रखती जब लगे ना फिर हम बोला पानी पाते। ये लो पकड़ो, अब मैं कुछ देने वाली हूँ स्पेशल इसको, ब्लैक एक शॉर्ट ब्लैक कॉफी का पकड़ो उसको, क्योंकि कॉफी जो है ना वो भी ड्राई करती है बहुत। उधर जाओ उधर पीने जाओ। सम्राट तुझे अपने आपको देख के अच्छा लगेगा कि तू 3 दिन में ऐसा था। मैं जी बेटा मुझे पता लग गया शेरों से पहले 3-4 दिन पहले मेरी क्या हालत होने वाली है, और मैं अभी से पानी बहुत सारा पीना स्टार्ट करूंगा 1 महीने पहले से, ये मुझे पता लग गया। सो गाइस ये पानी है और ये चमत्कारी जमजम वाटर से मिला देते। ये जमजम वाटर है, ये रात रात में दोस्तों बॉडी चेंज करेगा, कल सुबह देखना अब क्या होने वाला है। झुमझुमा दम पानी, चलो भाई काला पानी की सजा पी जा एक साथ में, पी जा मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा या क्या। आहा कैसी लगी कॉफी ये? बहुत स्पेशल था ये, तो जरूरी है काला पानी मिला है इसके नेस्ट के। सीक्रेट है भाई, इसके पैसे देने पड़ेंगे आपको, पैसे देने पड़ेंगे इसके, तो अब दिखाएंगे हम बाकी कल की बॉडी, सुबह उठ के दिखाएंगे इसकी कंडीशन कैसी है। एक से रुक जाओ। हेलो गाइस मेरा व्हाट्सएप चैनल पट्टू भी देख मेरा कहां है बच्ची कहां है बुलाओ उसको। तो हम लोग निकल चुके हैं एनपीसी के लिए, थोड़ा लेट हो गए हैं, लेट यानी कि 3:30 के आसपास हो गया है। लड़का पहले ही पहुँच गया कि उसको वेट देना था, तो वेट कर रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से वेट कैटेगरी ख़त्म हुई है हाइट वेट की। तो जैसे पीछे बैठा है विष्णु, ये मैं ड्राइव कर रही हूँ हमारी, तो अभी हम पहुँच जाएंगे, फिर मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ सब चीज़ें कि कैसे। ट्रेनिंग तो वैसे कर दी थी, अब जो फाइनल कोट होगा वो आज करेंगे हम, उसके बाद इसकी कंडीशन दिखाएंगे, करंट कंडीशन आज की कैसी कंडीशन है उसकी। सो हम लोग हैं बहुत एक्सट्रीमली लेट, और आज का मेरा व्लॉग शूट का जो क्रेडिट है वो विष्णु को है। हालांकि अब ही इज़ मोर इनटू जिमिंग एंड ऑल, बट ही इज़ वेरी गुड इन एडिटिंग शूटिंग, और इसे पता है कि भाभी को क्या चाहिए। और ये देखो भैया के फैंस आ गए, हम एंटर कर चुके हैं, और आज का जो सारा श्रेय है क्रेडिट व्लॉगिंग का शूट का वो जाएगा विष्णु जी को। एक आधे घंटे का समय होते तो अब हम हो तो आज का ब्लॉग बहुत एक्साइटेड होने वाला है, और भैया खा रहे हैं पार्ले जी, जी माने जीनियस, जी माने जीनियस, और ये हमारा अंकित भाई सुबह आ गए। तो हम लोग आ गए हैं, और ये कुछ एवेवीआर करके एजुकेशनल हब है, अब अंदर चलते हैं सीधा।
पता नहीं है कि लिफ्ट चलेगी नहीं चलेगी, तो नरेंद्र बाहर चले गए। क्या बंद ही नहीं हो रही क्या? अब तो हो जाएगी लिफ्ट चल रही है भाई, ये तो उतर जाओ सारे साथ। देखिए इतना वेट तो नहीं है, 100 किलो की मैं हूँ, 105 किलो का दीपक है। गेट में कुछ दिक्कत है, नरेंद्र आ जाते आप फिर तो बिल्कुल नहीं चलेगी। गेट में दिक्कत है, पैदल ही चलना पड़ेगा। चलो भाई सीढ़ी से चलते हैं, लिफ्ट खराब है, सिर्फ 3 लोगों का वेट उठा सकती है लिफ्ट। अच्छा हुआ मैं हील्स पहन के नहीं आई। राइट हम लोग जा रहे हैं, सॉरी बैक स्टेज, बैक स्टेज जाके दिखाते हैं पूरी कितना हार्ड वर्क होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बात है, कल पूरा लाइव देख रही थी मैं, कैसी है पाठशाला है, देखो पूरी पूरी बेस्ट एथलीट्स है यहाँ पे, कुछ नहीं है मेरी तरह। सब शुरू हो गया है, सम्राट को बुला था है। कॉफी या फिर विद्या की डांट है, और ये रजत भैया हमारे और पीछे देखा पीछे आई हुई बच्चन थी हेलो। तो आप लोग यहीं से स्कूल कॉलेज के हो या यहाँ? यहाँ रिपोर्टिंग चल रही है। ग्रेट, सारे ऐसे लग रहे थे हम लोग ना, बड़ा मेरे को लग रहा है कि वहाँ देखा वहाँ ज्यादा रखो प्लीज सब्सक्राइब मर्दानी मर्दों से ऊपर जाता है, मर्द कुछ नहीं कर पाया जो इन्होंने वो काम किया मेरे लिए। जय माता दी, ऐसी आपकी ब्लेसिंग रही है हमारे साथ। दीपक भाई ने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है और अच्छा सा प्राइज मनी सब कुछ मिलता है वहाँ पे। बट ये एक एथलीट के ऊपर है कि वो क्या चूज करना चाहिए, आप प्राइज मनी चूज करना चाहते हो या फिर आप उस स्टेज पे जाना चाहते हो। सो लेकिन हर स्टेज जो कहते हैं स्टेज होता है ना, वो एथलीट के लिए मंदिर है। और वीर भैया की इतने शोर में बहुत दिल करता है आने का, बट बन रहे हैं सामान रहेगा रूपल का, दीपक का जो सपोर्ट रूपल ने फेडरेशन में किया, शायद किसी ने रूपल सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी होती है कि एसोसिएशन के साथ, रूपल ने हर वक्त हमारे साथ दिया, दीपक ने साथ दिया। थैंक यू सो मच, क्योंकि आज दिन बन गया मेरा, दिन बन गया, दिन बन गया। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं फ़ोन करने वाला था किसी काम के लिए, 11 तारीख की इन्विटेशन दी सर, क्या मुलाकात मेरा बर्थडे है, अच्छा मुझे बुला लो। आना पड़ेगा, 25 मई को ही है। अच्छा अच्छा, मैं बैठा हुआ था, मैं बात करूँ ना करूँ, मेरे को जल्दी से जानते नहीं तो मैं भैया मुकुल हमारे ब्रो होल्डर चल भाई जान मंडल, ये मेरे स्टूडेंट सम्राट। अच्छा सम्राट भाई,
क्या बात है ये बिंदिया दीदी एहसान पूरी टीम है मेरी टीम नहीं है सब हरी कार्ड है सारे हां भैया की मैं हमेशा भैया का कॉस्ट्यूम देखती थी लगे भैया गोल्डन चमकता हुआ आज ये भी एक बढ़िया बढ़िया युक्ति ना और इसने फुल टक्कर दिया अपने कॉस्ट्यूम को एक गोल्डन एक हरा बस खाली कॉस्ट्यूम को ही टक्कर दे रहा हूँ ये भैया देखो आप मुझे इस चीज का जवाब दो जो आपका एक स्टेटस था कि भाई कंपलसरी खेलना कि आप ये मत देखो कि आज ही वो करना ही है एनपीसी कंपलसरी है तो हामिद भैया के पास हो गए राइस केक देख के राइस केक है रात को भी लगाया था अभी लगा इतने चरण में पहले बारी की कुछ कल पूरा बोलते थे रात को अगर 20 लगा होगा अगर 20 के बाद 20 लगाना है तो इस टाइम को 20 अगर आपको टॉप कोट भी लगाना है तो अभी आप 20 करके फिर टॉप कोट लगाना है इसीलिए ना वो प्रेफरेंस आपको पता होगी आपको थोड़ा डांस करो क्योंकि उसको डांस की आदत है ना अपने आप पूरी जो आपकी बॉडी कैसी चाहिए दो दो करके ले लेंगे दो दो लेकिन ये और आप वेलनेस तो जब हम जब पुरानी टीम में होते थे एक हमारी टीम होती थी वो थी हो गई तो एक हामिद भैया और एक और वो भाभी के पीछे अन्नपूर्णा का जो निवास होता है ना वो होता है इनके पास क्या चाहिए आप बस नाम लो तो जो मुकुल होता है ना मतलब दीपक को कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी अंकित कर लियो रेड ग्रीन येलो ग्रीन मैरून ट्रैफिक लाइट्स साथ में इसमें क्या वो लगा दो इसमें जाके कुछ ऐसे ये मेरे को कोई तो बात तो नहीं है मेरे को लगता है कि मेरे को दिखा दो दोनों के प्रेस में दोनों है ये मैं कल तक कुछ तो आज वो 5-6 हो गए हां तो लग रहा होगा ना ब्रो ये क्या हुआ मैं तो कल से मूवी की कर मेरा फोन दे दे इधर देखना जरा दोनों में चलो आपको अब इधर दिखाई मतलब आप ही बंद कर खाने को दूर रखो खाने का ये वाली देखो मैं देखो हमारा मतलब मुझको मुझे एक चीज़ बता तू बॉम्बे पे दीपक के ऊपर डार्क कलर लगा था वो कौन सा ब्रांड था ये बता पर मिलने को तो भगवान भी मिल जाता है ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कलर तो वही चाहिए बहुत अच्छा लगता है वो कलर ना इनको वही चाहिए दो दिमाग में आ रहा होगा कि बिंदिया शर्मा क्यों नहीं खेल रही बिकॉज बिंदिया जिस कैटेगरी में है वेलनेस कैटेगरी में वो बेसिकली है ही नहीं यहाँ पे एनपीसी में किसकी ट्रेनिंग रहेगी सीधा मैडम डायरेक्ट चलेगी वहाँ चलेगी वहाँ पे ना
अगर आप देखो मिड सेक्शन वाइज अंधेरा कर दिया इसने, कोई टैनिंग वाला है फीमेल चले जाओ जिसका प्रोग्राम है, क्योंकि मेरी बाहर बात है 10 मिनट में आ जाएगा वहां पे बाकी मैं आपको अब एहसान, मैं एहसान से फर्स्ट टाइम मिली थी 2018 बॉस क्लासिक, उससे पहले शायद नहीं, बॉस क्लासिक में आया था वो रिक्की का लड़का खेल रहा था, एक रणजीत सिंह रिक्की का लड़का खेल रहा था, क्या नाम था उसका, मयंक, सॉरी मयंक तो मैंने पहली बार देखा और मैंने पहली बार इसको देखते ही बोला, मैंने क्या एहसान उसके बाद यासमिन के बाद और अगर आप प्रो शो के अंदर देखते हो या प्रो क्वालिफायर के अंदर देखते हो ना तो वो चुसे हुए लड़के नहीं होते, उनकी जो कैटेगरी शो होती है अमेजिंग से निकल कर आता है और मैं बहुत अच्छा देख रही थी। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप अच्छी जगह चले, मेरा हमेशा से सोचना यही है कि आप अपनी इंसल्ट कराने के लिए ऐसी किसी भी जगह पर छोड़ दो, ठीक है, जब आप खुद वो लीग खेल रहे हो और बार बार अपनी बॉडी को छेड़ना और फिर स्टेज पर चढ़ना तो आप अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हो, अपनी अपना जो वो है ना एम रखो और जो कला रो कार्ड को मेरा मेन फोकस तो शेयर थोड़ा बहुत तो फिर स्ट्रेस तो ले मैं चाहूंगी आपको याद होगा कि आपने मुझे फर्स्ट टाइम क्या दिया, लिप बाम, लिप बाम दिया था मैंने इसको जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, इसके होंठ एकदम ऐसे फटते थे बुरी तरीके से और मैं तो हमेशा अपने कैरी करके चलती हूँ, शाहरुख जब चुप के जा रही है मैंने कहा आओ लिप बाम लगा लो, फर्स्ट टाइम मेरी जब बात हुई एहसान से, कोई नहीं हम लेके जाएंगे ये मैं मिलवाना चाहती हूँ सम्राट, दिख ले ले भाई, टाइगर टीम ले ले, कैसे हो अंकित, आ जाना भाई इधर आओ, पासवर्ड सारे आ जाओ ना, मैंने पासवर्ड उसे, तो ये है विपिन, वीडियो बना, आज बहुत चिजल्ड सा फेस लग रहा है, नहीं तो आपने बहुत वायरल वीडियो देखी थी विपिन की जिसमें
ऐसे ऐसे चलता है हैप्पी फॉर हिम कि कल भी फ्लेक्स में डॉक्टर फ्लेक्स में ही वॉन गोल्ड और आज भी ही वॉज नॉट एक्चुअली खेलने वाला नहीं था मैं थका बहुत मैंने इसे मैसेज किया मैं कहा क्या एनपीसी नहीं खेलना क्या बिकॉज लुक एट हिम यार इसका प्रो कार्ड ना पक्का है ये तो अभी कुछ नहीं है बिकॉज जब ये चढ़ेगा स्टेज पे तो मेरे को पूरा विश्वास है और इतनी सारी चीज़ें एथलीट्स के साथ होती है ना आप बिलीव करोगे ना सम्राट था आगे और सम्राट इसके दोनों घुटनों का एक्सीडेंट हो गया था ठीक है दो हफ्ते ये बेड पे था फिर डाउन आया नीचे फिर उठा तो ये जो इसकी इंजरी हुई विपिन की इंजरी हुई ठीक है तो बहुत मुकुल मतलब बहुत सारे एथलीट्स को आप जज करते हो इतनी आसानी से ये कम है वो ज़्यादा है बट यार एक बार देखो ये कैसे कैसे करके पहुँचते हैं खड़े होते हैं लड़ते हैं तो जज का काम ना सिर्फ जज का ही होता है आप लोग मत किया करो जज क्यों दूध तोड़ देंगे चलो मैं हार भी लोगों से आपको बता दूँ क्योंकि गोल्ड जीता है और ये मेरे ख्याल से मुझे लगा शायद जल्दी हुई है पीछे तो और दिखाती मैं और मिलवाती हूँ कैटेगरी चल रही है और काफी अच्छी भीड़ है यहाँ पे मेक अ बैक टर्न बिकनी एथलीट सारी आ चुकी हैं कुछ तो मेरी जानकारी है जैसे कोने से लेकर रेचल है शारू है और ये रही पूरी की पूरी ऑडियंस यहाँ पे खटाखट भरा पड़ा है और ये रही हमारी जजिंग टीम सुनील लोचक भैया सोम सर हेमंत भैया ऋषि और आई डोंट नो रीटा मैम को मैंने देखी मिली नहीं आज अभी मिलूँगी एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज दिखाने वाली हूँ मैं आपको जो कल मेरे ख्याल से मुझे लगता है लाइव से बाहर निकल कर आ गए लाइव से ही निकल कर आ गए आप सीधा कि आज हमारे सारे जजेस हैं और ये देखिए मैंने पकड़ा है कि इनको मनप्रीत जी को और ये इतने स्वीट हस्बैंड है कि अपना छोड़ दिया खुद का खेलना वाइफ के लिए और आज भी इनकी वाइफ एनपीसी जीती थी मैंने सारा डाला है व्लॉग में आप चेकआउट करना अब इनके भी नंबर आने वाला है बहुत जल्दी सारे जजेस रीटा मैम हाँ क्या लिखूं बिकनी मॉडल हल्का सा ऐसे करो ये है ना देखो ये पैर है आपका ये आगे रखना आगे
थम उठा लो आगे से, पीछे करो पीछे और बस, ये थम उठा लो ऊपर, थम एड़ी, ये थम भी उठाओ, सिर्फ इस पर रहने चाहिए पैर, हाँ ये उठाओ ये, जब उठाओगे तो पूरा हो जाएगा। इस पर हल्का बहुत प्रेस नहीं करना, बट हवा में टच है वो, ठीक है। अब जब आपने ये मारा, मारो पूरे ऐप खींच लो, सांस भर के फिर मारो, आप सांस दबाओ अपनी, ऐप छोड़ दिए हाँ, और इसको बहुत वाइड हो गया ये रखना, ये अगर ऐसे कर दोगे ना आप छोटे लगेंगे, ऐसे करोगे तो आप बड़े लगेंगे और बैक खुल जाएगी, ठीक है। हाँ साइड चेस्ट दिखाओ, हाँ पैर चिपका लो बिल्कुल, हाँ अब उधर टर्न मार दे इधर ऐसे, हाँ हाँ ये बैठ जाओ, बात बैठो, जब आप टर्न मारोगे ना तो आपका ये स्पेस बाहर आ जाएगा, आप थोड़ा बैठोगे तो आपके हिप भी बाहर आ जाएंगे, करो हाँ अब मारो, बहुत बढ़िया, और दबाओ इसको, हाथ थोड़ा नीचे करो, हाँ अगर इसको यहीं रखना, ये मारते ही जैसे आपने ये मारा तुरंत आ जाना है, हाँ और इसे पास रखना, क्योंकि हम हमारी बहुत बड़ी टाई नहीं होती क्लासिक वालों की, हमें यहीं रखना है, ये गेम है आपका, देखो ये बस ये, हाँ मारा, मारो ये खींच के, हाँ फ्लैक्स, और खींचो टांग, जो पैर आपका बाहर है ना उसको जैसे मैंने आपको बताया ना थम ऊपर रखना, वैसे थम ऊपर रखना उसमें, हाँ ये जब ये उठोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे छोड़ो गायब हो गया, देखो ये पैर लाओ उठाओ थम, ये थम उठाते ही बाहर आ जाएगा। अब फेवरेट क्लासिक पोज मारो, फेवरेट क्लासिक कौन सा मारोगे, So, कल आप सब ने और हम सब ने लाइव में देखा भैया को, हमने देखा बस देखा, बस एक लास्ट वर्ड सुना था कि ओलंपिया में भी तो चढ़ना है बाकी, तो वही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो भैया कल मुंबई थे, आज दिल्ली हैं, और ये जो पाठशाला है यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कौन कौन है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, सीनियर प्लेयर भी है यहाँ पे, और खुद बहुत मेंस फिजिक के अमेजिंग प्लेयर है साथ में वरुण मल्होत्रा, इनके जो टैटू है वो छुपे हुए हैं अभी, इनके जो चरण बने हुए ना इनकी छाती पे और एहसान बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या क्लासिक खेल रहे हैं, मैं तुझे हमेशा से क्लासिक में देखना चाहती हूँ, बताए वैसे बहुत अच्छा लग रहा है सिद्धांत भैया, पता है मैं जब इसको फर्स्ट टाइम मिली थी तो इसकी मेरी एक स्टोरी है बॉस क्लासिक में, ये मेंस फिजिक में तो इसके होट एकदम फटे हुए, तब 2018 की बात है ना, नहीं एकदम ड्राई था, हाँ फिर मैंने इसको देखा, सुनो तो सही, मैंने इसको देखा, मैंने बोला बेटा आपके होट बहुत फट रहे थे, हाँ जी मैं, तो वैसलीन लगाओगे आ जाओ, तो वैसलीन लगाओगे, तो फिर मैंने इसको वैसलीन दी, तभी तब मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको देखा था ना सिद्धांत भैया, मैंने बोलता तुम मेंस फिजिक नहीं तुम क्लासिक खेलो, मगर वो मेंस फिजिक नहीं जीतेगा, हाँ तो अब मुझे समझ में आया क्यों जीतेगा, क्योंकि उस टाइम मुझे ना भैया मेंस फिजिक की इतनी नॉलेज नहीं थी, अब मेंस फिजिक का जैसे आप हो गए, मनोज हो गया, उसके बाद डेल्टा दिलीप हो गए, आप लोगों ने देखो एक वो बदल दी है, हाँ वरुण भैया भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब एक मेंस फिजिक में
एक वही बदल गई है। हाँ पहले स्किनी को लोग चूज़, हाँ अब बड़े शोल्डर्स, बड़ी बैक, तो एक मतलब मैं देखूँ तो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग वाले जो पीछे खड़े हैं बिना बालों के, उनसे अच्छी टांगे लेके मेंस फिजिक वाले खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं ये मियाँ बीबी का मजाक था, प्लीज इसे इग्नोर करिए। ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, चाहे आप में जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। सो भैया हमेशा से कम बोलते हैं, इतने सालों से मैं देख रही हूँ बहुत शाय पर्सन है, हाँ हम्बल है। इस चीज के तो सिद्धांत भैया और मैं गवाह है, लोग आपस में मैं नाम नहीं लूंगी, इतने दिग्गज दिग्गज जज बोलते थे तू करेगा जजिंग, तू करेगा कर लो पता ही नहीं होता था उनको। मैं बात बता रही हूँ आपको 2016-15 की। अब तो खैर मेंस फिजिक का एक नक्शा बदल गया है, इंटरनेशनल लेवल के हैं सारे के सारे। क्या बात है, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। उस दिन मैं एक बार मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहीं थी लास्ट साल, पिछले साल की बात है ये, पिछले साल की। प्लीज मुझे व्लॉग में मत लेना, मैं अभी अपनी बॉडी को ना दिखाना नहीं चाहता लोगों को। ये पता नहीं कौन से टोटके, ये टोटके हैं इनके टोटके। चलो अब मैं जाती हूँ, हाँ ये अपनी बॉडी नहीं दिखाते, प्लीज मुझे मत लेना, प्लीज मुझे काट दो, मैं नहीं आऊंगा बीच में, मैं अपने शरीर किसी को दिखाना नहीं चाहता। चलो हम रजत भैया का देखने जाते हैं स्टेज पे, वो अपना भारी भरकम शरीर लेके चढ़ने वाले हैं। हाँ ये खेल रहा है ना, कहाँ गया वो, ये ना कमल भैया। हाँ नहीं नहीं मेरा भी खेल रहा है, कहाँ गया ये रहा। अच्छा ये, हाँ सिद्धार्थ, कल हम रात को बैठ के ना हम दोनों YouTube देख रहे थे आपका। चल आ जाओ, फोन ले ले इसका, हाँ फोन आएगा इनकी, उनका रिश्तेदार का। सो इधर दिखा, 8:12 हो रहे हैं NPC UP, बट होता है ये, अब आके जाके नंबर आ रहा है तो ये सबर होता है। और भी एथलीट्स चले गए हैं, बैठे हैं, है ना। उधर भी दिखा, क्या खा रहे हो आप, और आप, ये तो सबसे बेस्ट मील है। देखो सबसे पुरानी जो मील लोडिंग की मैं 2009 से देख रही हूँ, आलू चावल शहद, अब नई नई चीज़ें लोग डालते हैं आजकल बाहर के कोच, क्या क्या करते हैं मंडल जी, हैं सुबह सुबह मटन लोडिंग, मफिन, ब्रेड, लहसुन अदरक, खूब भालो, हैं बोला करना तू, बोलेगा नहीं। तो चलो खैर यहाँ पे सब मैं ही बोलती हूँ, ये अब पंप हो रहा है इसका, बाकी किशमिश मैं ही खा जाती हूँ। पूरे NPC में सबसे अनफिट मैं ही होंगी। सब हिचकिचा रहे हैं थोड़ा सा। कल रात से इसका व्लॉग बन रहा है, पता है रात से स्पेशल। वो भी दिखाना, दिखाऊंगी घर में जाके ना, रिंग लाइट टूट गई, सोफा टूट गया, पाँव निकल गए सोफे के, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर उसके घर जाके
तुझे गिफ्ट दूंगी यार, वो तेरे लिए अच्छा लग रहा है। क्लासिक में ये भी पहनते हैं, वो कह रहा मेरा लक्की है। खाली अब कहाँ से लाऊं, कह रहा क्लासिक में सिर्फ ब्लैक होती है, वो कह रहे हैं यहाँ तो चली जाएगी। नहीं वो तो लक्की है, उसी को कटवा दूंगी। नहीं वो लक्की है बहुत, नहीं कसम से कुछ चीज़ें ना लक्की होती है। लगाओ इसके वो ठीक है। अच्छा शायद नंबर यही रखो। हाँ इधर रखो भाई। कैसे हो? बैग दे दो मेरा। बैग किया बैग रजत भैया का क्या रहा है? क्लासिक चल रहा है भाभी। क्लासिक चल रहा है? क्लासिक में तो चल रहा है ये। अरे मैम फिजिक है उसके बाद देन क्लासिक। बिंदिया ये मुकुल है, यहाँ हामिद भाई है, भाभी हमेशा रहती है हर जगह पे। रात के बज रहे हैं, लेडीज वॉच पहन कर आया तू? अच्छा चलो ये मेरा मजाक करने का तरीका था। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। Every time I try to breathe, the moon rise and carry me. भैया करो ऐसे, ऐसे करो ऐसे। क्या लग रहा है इंसान भी और वो लड़का भी आपका ही है ना? 181 एहसान बहुत ही अलग है। यहाँ पे तो यही चलेगा ना, और वहाँ पे भी एक ग्रुप में सारे भर देंगे देखना।
बड़ा जबरदस्त लाइन है वो, दो जैसे आगे वाली लाइन में बहुत अमेजिंग लग रहा है ऐसा, पीछे वाली लाइन के एथलीट्स आगे हो जाओ, अच्छा लग रहा है पीछे वाली लाइन के एथलीट्स आगे हो जाओ थोड़ा आगे। All right, athletes, quarter turn to your right. To your right, अपने सीधी तरफ। एक मिनट, face the judges, please. Face the judges. Face the judges. Quarter turn to the back. Quarter turn to the right again. Come on, 430. Hello. And face the front. Front double biceps. क्या लग रहा है? ऐसा क्या लग रहा है? Side chest. Back double biceps. Relax and your favorite classic pose. Relax. Go back. Two, six, zero. 457. All right, athletes, quarter turn to your right. Quarter turn to the back. Quarter turn to the right. Face the judges. Front double biceps. Side chest. Back double biceps. Abdominals and thighs. And your favorite classic pose. Relax and go back.
हामिद की और मुझे पता है जरूर ये आर देयर एनी मोर थिंग्स और है मैंने ऐसे कल डालूंगी बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करो लोग मेहनत कर रहे हैं पूरा देखो एंटरटेन खाली हंस के छोड़ देते हो लाइक भी कर दो और भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब करो कोई नहीं मेरा मत बोलो ये वाला कर